Santa Matilde de Ars hasta. आप स्वयं सत्य हैं, आपका विष्णु है, आप जो है सत्य है, पर व्यवहार हमारा असत्य हो रहा है, क्योंकि असत्य में ही हमारी रुचि है, सत्य में रुचि नहीं है, इसलिए व्यवहार हमारा असत्य में है, और जो सत्य है उसका पता बहुत कम होता है। उसके लिए हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में सत्य का पता लगाते हैं, संत द्वारा पता चलता है, पता चल जाए तो फिर भी सत्य में स्थित होना बड़ा मुश्किल होता है। सत्य को जानने के बाद में भी सत्य में स्थित होना मुश्किल होता है। क्यों होता है कि सत्य हमको सत्य से असत्य ज्यादा रुचि है, असत्य में रुचि ज्यादा होने से हमको असत्य में ही संसार का व्यवहार असत्य है, पर हमारी इसमें रुचि है। आपसे कहा जाए कि ठीक है भजन करना चाहिए, भजन सत्य का हो रहा है, आप भजन में बैठे, आप व्यापारी हैं, ये जो कुछ करते हैं, अब वहां कोई आपसे कह देता है कि सेठ जी जो है 10 करोड़ रुपए ले लीजिए आपके लिए आए हैं, आप भजन छोड़ देंगे, वो 10 करोड़ रुपए भी नाशवान है और भजन आप असत्ता कर रहे हैं, उन 10 करोड़ रुपयों के पीछे आप भजन को त्याग दें, तो रुचि किसमें ज्यादा हुई, असत में। जो चीज नाशवान है उस नाशवान में हमारी रुचि है, जो रुचि एक अनादि काल से हमारा चला आ रहा है इस संसार, इसलिए नाशवान वस्तु को हम अच्छा समझते हैं। एक दफे की बात है कि छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में एक ब्रह्मचारी हमारे साथ में था, तो वहां से भिलाई में हम बोल रहे थे, तो भिलाई में ही कहा कि गुरु जी ऐसी कोठी अपनी होनी चाहिए, लेकिन इसको अपनी मान लो, संसार जब अपना है इसको फर्क क्या पड़ता है, अलग बनवाने की आवश्यकता नहीं, इसी को अपनी मान लो। कोई गाड़ी आती देखता बच्चा था, तो गुरु जी ऐसी गाड़ी अपनी होनी चाहिए, मैं ये गाड़ी अपनी समझ लो, हरदम तो गाड़ी में अपन बैठे नहीं, और इस गाड़ियां जो आ रही है ये सब इन्हीं की तो है, जो हमारे काम में है जो हमारी है उसको लेने की आवश्यकता क्या है। तो इसी प्रकार से जानते हैं कि गाड़ी खराब होती है, गाड़ी नाशवान है, हवाई जहाज भी नाशवान है, अपना स्वरूप नहीं है, पर हमारी रुचि है उसके अंदर, हम उसमें रुचि देते हैं, उस रुचि की वजह से हम जो है उधर की तरफ ही ध्यान देते हैं। इसीलिए जो है ये रुचि बहिर्मुख होने से हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हो जाती हैं और संसार को ही हम सब कुछ समझते हैं। संसार में रुपया है, पैसा है, संसार को देखते हैं, पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण होता है, संसार को हम ग्रहण करते हैं पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा, उसकी अनुभूति होती है और उसमें ही हम बहक जाते हैं। उसमें बहक जाने की वजह से अपने घर का पता नहीं चल पाता, अपनी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं होता है, संसार का चिंतन होता है, संसार का ही मनन करते हैं, संसार में ही हमारा सब कुछ व्यवहार संसार का है और संसार नाशवान है। ये चीज सोच करके भी हमारा संसार से रुचि खत्म होती है, संसार में
विवेकमान जो पुरुष होते हैं संसार में रहते हैं, संसार में व्यवहार भी करते हैं, पर संसार में आसक्त नहीं होते। संसार में हंसेंगे बोलेंगे सबसे बातचीत भी करेंगे पर संसार में आसक्त नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि संसार मेरा स्वरूप नहीं है, संसार छूटने वाला है, संसार नाश होने वाला है। इसलिए जो है संसार का व्यवहार करते हुए भी संसार में रुचि न होने से संसार उनके लिए बंधन का कारण नहीं है। संसार बंधन का कारण कब होता है कि जब संसार में हमारी रुचि होती है। आप संसार में रहिए, सब व्यवहार कीजिए, सब काम कीजिए, पर उसमें रुचि न ले, उसमें आसक्त न हो, उसमें मोहित न हो, तो संसार में रहते हुए भी आप संसार से रहते, संसार से बाहर। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जंगल में बैठा हुआ फिर संसार का चिंतन करता है, तो उसके वो संसार में ही है, जंगल में नहीं है। जो जो व्यक्ति विषयों का रस नहीं देता है वो विषयों में नहीं फंसता है, विषयों का रसास्वादन ही फंसाने वाला है। इन संसार के विषयों का रस हमको भ्रमित करता है, भुला देता है, और यही बंधन है। इस बंधन से छूटने के लिए संतजन उपदेश देते हैं। बंधन क्या है? हमारे से भिन्न जो वस्तु है उसका आकर्षण ही बंधन है। संसार में हम रहते हैं, संसार में हमारी प्रियता है, संसार में आकर्षण है, ये आकर्षण हमारे बंधन का कारण है। यदि हमारा व्यवहार आकर्षण रहित हो तो हमारे लिए कोई बंधन देने वाला नहीं। बंधन बनाना हमारा काम है, हम स्वयं बंधन बनाते हैं, अपना बंधन में फंसते हैं, और बंधनों को पट करके छोड़ना भी आपका ही काम है। बंधनों को पट करके आप त्याग सकते हैं आराम से, पर हमारे अंदर दुर्बलता है, बंधनों को त्याग नहीं पाते हैं। उसके लिए हम परमात्मा की गुहार लगाते हैं, परमात्मा हमारे बंधन को छुड़ा, परमात्मा हमारे कल्याण कर। कहते हैं कि परमात्मा पे काम ज्यादा होता है तो परमात्मा कम सुनता है, तो छोटे देवता चुन लेते हैं, उन देवताओं के पीछे पड़ जाते हैं, हनुमान जी के पीछे, डाकोर जी के पीछे, नाथ द्वारे में पड़ जाते चक्र। तो कई देवताओं की स्थापना कर ली। अब जब देवताओं के भी महकमे ज्यादा बढ़ गए तो उनसे छोटे छोटे पत्थरों की मूर्ति पे सिंदूर लगा देते हैं, उनसे अपन संतोष करते हैं। अब बात कर क्या रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप को धोखा देना हुआ। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा भी आपका कल्पित है, आपने कल्पना की है, परमात्मा आपको मिलेगा कभी नहीं। देवताओं की भी कल्पना की है आपने, वो भी मिलने वाले नहीं है। किसी भी पत्थर पर सिंदूर पोत दीजिए, आपका देवता बन गया, अब वो देवता आपका क्या भला करेगा? तो जो काम करना चाहिए वह तो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो काम नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। करना क्या चाहिए कि अपना जीवन कल्याण करना चाहिए, और जीवन कल्याण है अपने मानसिक और भौतिक रूप से स्वतंत्रता। केवल बात इतनी है, इसमें देवताओं का कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो उसमें गुरुजनों का रोल है, गुरुजनों से मार्गदर्शन मिलेगा, और उन पे विश्वास बहुत कम होता है। सोच लेते हैं कि गुरुजन तो हम ही जैसे हैं, जैसे हम लोग खाते पीते, जैसे ये लोग खाते पीते, उन पे विश्वास नहीं होता, जी भटक जाता है। गुरुजनों पे विश्वास ना होकर पत्थरों में विश्वास है। जो चीज हमने कभी देखी नहीं उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। गुरुजन कहते हैं कि भाई ये पत्थर पीतल को छोड़ो, अपने आप में जागिए, तब तो उसको बकवास समझ लेते हैं, ये
आज की बात करते हैं। परमात्मा हमारा कल्याण करे, तो इसी प्रकार से हम इस संसार में भूले रहते और ये भूल ही हमारे बंधन का कारण होती है, भटकने का कारण होती है। भूल को मिटाने के लिए कहा कि भूल मिटाए गुरु मिले पार की, पारक दे लगाई कहे कबीर भूल की औसत पारक सबकी हो। भूल की औषधि है पारक, परीक्षा देते हैं जिसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही हमारी भूल मिट सकती है। ज्ञान हमको, ज्ञान किसका करना है? अपने बंधन का ज्ञान करना है और उससे बंधन से हम किस प्रकार से छूटे इसका ज्ञान करना है, वो सत्संग के द्वारा होगा। पर सत्संग में भी हम ढोलक बाजा बजाने लग जाते हैं, लोग बाग उसको ही सत्संग समझते हैं। एक दिन मैं जयपुर में था तो जयपुर में ये ढोलक बाजे का सत्संग हो रहा था, मैं मेरे को भी पकड़ के लेके चलता है, मेरे सामने भी बाजा रख दिया। मैंने कहा भाई बाजा ये तो नहीं, आप क्या चाहते हैं क्या सुना? तो महाराज कुछ सुनाइए, तो मैंने सुनाने लगे। तो कहने लगे महाराज जी ये बातें चीत तो बंद करिए। सत्संग करिए आप। मैं सत्संग कौन सा कि बाजा बजाई कुछ गाई है। अच्छा। ये सत्संग नहीं सही है। अच्छा। मैं तो ये बातचीतों का ही सत्संग जानता हूँ, आपकी रुचि हो तो सुना दो। महाराज जी तो इसको बंद कर दीजिए, ढोलक बाजा बजे। इसी प्रकार से संसार में ढोलक बाजा बजते हैं, उसमें ही हमारी रुचि है। अब ढोलक बाजा बजेगा, गाना गाएंगे तो उसमें अपन को निर्णय कैसे मालूम पड़ेगा? शब्द विषय की आसक्ति है उसमें हम भ्रमित होंगे, उसमें सत्संग ठीक है, उसमें शब्द अच्छे हो सकते हैं किन्हीं महापुरुषों के गायन हो सकते हैं, पर हमारी रुचि, हमारा ध्यान उधर की तरफ नहीं जाएगा। हम तो ढोलक बाजे की आवाज में आवाज को सुनेंगे, सत्संग की तरफ। कहा कि कहे कबीर ता मूड को भला कौन विद हुई, जो सत्संग में रुचि न लेख शब्द विषय में आसक्त हो उनका कल्याण कैसे हो? कल्याण के लिए हमको निर्णय की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, सत्य असत्य के विवेक की आवश्यकता है, अपना बंधन की और बंधन से छूटने के उपाय की आवश्यकता है। वो हम जानते नहीं और करते भी नहीं। इसी प्रकार से संसार के विषयों में हम भूले हुए, ये विषया शक्ति ही बंधन है और विषय विरक्ति कल्याण है। जब तक हम विषय से, विषयों से विरक्त नहीं होंगे, जब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और विषय विरक्त होने में हमारा मन नहीं लगता है, तो अनादिकाल से हम संसार के, संसार में रुचि लेते आए हैं, उसका ही हमको अभ्यास पड़ जाता है। आप कह सकते हैं कि संसार से जो अरुचि होने पर ही कल्याण होगा, तो रुचि को त्याग क्यों नहीं देते? वो अपने आप में भी आप अजमा के देख सकते हो। किसी को शराब की आदत हो तो शराब छूट जाएगी सरलता से, किसी को अफीम की आदत हो तो अफीम जल्दी छूट सकती है और छोड़ेगा भी तो नुकसान होगा। अफीम कोई खाता हो, एक तोला अफीम खाता हो और एकदम से छोड़े तो बचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वैसी आसक्ति होगी और उसकी आदत पड़ गई। किसी भी आदत को, उस आदत को एकदम छोड़ेंगे तो हानिकारक होगी। अफीम वाले कहते हैं, मैंने सुना एक अनुभवी व्यक्ति से, अफीम की यदि आदत छुड़ानी हो तो आप एक तोले अफीम खाते हैं तो पहले दिन उसकी एक लकीर लाइन किसी पत्थर पे कर दीजिए और उसको खा लीजिए, दूसरे दिन दो लकीर कीजिए उसकी और फिर खा लीजिए उसको,
तो दो लकीर जितनी करेंगे पत्थर पर, खुरदरे पत्थर पर, उतनी अति कम हो जाएगी। और ऐसा करते 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 वो बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगी, वो घिसती जाएगी, लाइन बढ़ाते जाइए आप, इनकी आदत छूट जाएगी, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से संसार भी अफीम का नशा है, पंच विषयों का जो रस है ये अफीम है। इनको हम जो है अगर एकदम से नहीं करते तो धीरे धीरे ये विवेक के द्वारा समझ ले कि जो संसार का रस ले रहे हैं ये हमारे पास रहेगा नहीं। शरीर था, आप किसी समय बालक थे, बालपन की भी आपको याद होगी, युवापन की भी आपको याद होगी, वृद्ध हो गए वो भी याद होगी, पर वो अवस्थाएं आपकी रही नहीं, वो बीतती चली गई। और ये अभी अभी वर्तमान में जो अवस्था ये भी नहीं रही, ये भी छूट रही है। तो जब सब चीज छूट रही है तो आपकी तो कोई चीज है नहीं, और जो चीज आपकी नहीं है उसमें आप बंधे क्यों हैं? अपने जीते जी अपना कल्याण करना चाहिए। शरीर रहते रहते ही संसार की आसक्ति का त्याग करके हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो बंधनों से मुक्त होने के लिए संसार की आसक्ति छोड़ना जरूरी है। संसार तो शरीर ही संसार है और संसार में रहेगा, प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलेगा आपका जब तक आपको शरीर नहीं रहना। फिर आगे का यदि आप कर्म संस्कार बनाते हैं तो आगे शरीर प्राप्त होगा, पर यदि सत्संग सुना है तो उत्तम शरीर मरे मनुष्य का दर्शन आ जाएगा, और यदि सत्संग नहीं सुना है, ज्ञान बोध विचार नहीं है, तो यदि अब जैसे संस्कार होंगे वैसी खालियां प्राप्त होंगी। इस मानव जीवन में रहकर के हमको बंधनों से छूटने का उपाय करना चाहिए। देवता हमारे कोई कल्याण नहीं कर सकते, परमात्मा भी कल्याण नहीं कर सकता है, ये सब कल्पित है, मनुष्य की कल्पना मात्र है। कल्याण करना है तो जहां आप बंधे उस बंधन से छूट जाइए। आप कह सकते हैं बंधन एकदम कैसे छूट जाएगा, उसका उपाय सोचना चाहिए। ये उंगलियां हैं अपनी छूटी हुई है, इनको आपस में फंसा दें और इस हाथ को इधर को बढ़ाए, इस हाथ को इधर बढ़ाए तो फंसेंगे तो छूटेंगे, अगर छुड़ाना तो इसको वापस लौटा दो। संसार में हमारा व्यवहार होता है, संसार में हम रुचि लेते हैं, इसलिए बंधे हुए। संसार की रुचि को खत्म करके फिर संसार का व्यवहार, संसार को नाशवान समझ करके अपने को अमर समझ करके फिर संसार में व्यवहार करिए, तो संसार आपके लिए बंधन का कारण नहीं बन पाएगा। इसी चीज को सीखने के लिए हम संतों के पास आते हैं। संत कहते हैं आप असहज है, आप सहजता में आ जाइए, असहज ना हो सहज रूप में। सहज रूप का मतलब है कि आपके अंदर जो इच्छा वासना चाहना उनकी वजह से आप असहज हो जाते हैं। जितनी भी इच्छा वासना चाहना है संसार की है, और संसार छूटने वाले तो उन इच्छा वासना चाहनाओं से आपका कोई मतलब नहीं है। इच्छा वासना छोड़ दीजिए, संसार का प्रारब्ध या प्रारब्ध के अनुसार शरीर का विभाग चलाइए, तो संसार की इच्छा न करिए, अपना जीवन चाह रहित हो जाइए। जहां चाहना का अंत हो गया वहां आपका छुटकारा हो जाएगा। चाहना के द्वारा आप फंसे हुए हैं, चाहनाओं से मुक्त होने पर आप छूट जाएंगे। बहुत सहज उपाय है, न इसमें मंत्र जपने की आवश्यकता है, न कोई साधन भजन की आवश्यकता है, केवल अपने अंदर जो आपने संसार बसा रखा है संसार को निकाल के बाहर कर दो। और आप संसार में बसे हुए हैं तो आप निकल के बाहर आ जाइए, छूट गए संसार, करना इतना ही है। अब उसके लिए हम बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, कहते हैं देह सुखाए पिंजर करे धरे रेन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।
चाहे हम तपस्या करके देह को सुखा के पिंडरा बना दे। रातों दिन ध्यान करते रहिए, पर बिना ज्ञान के आपकी वासना नहीं हो सकती। वासनाओं को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान सत्संग के द्वारा ही होगा, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। और सत्संग भी किनका? उन महापुरुषों का सत्संग चाहिए जो वीत राग है। उन वीत राग महापुरुषों का सत्संग से हम बंधन से छूट सकते, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त है। यदि हम रागियों का सत्संग करेंगे तो छूट नहीं सकते, क्योंकि वो खुद फंसे हुए। जो खुद फंसे हुए वो आपको कैसे छुड़ा सकते? आपको जो खुद छूटा हुआ है वो आपको छुड़ा सकते। इसी प्रकार से संसार की जब तक रुचि हमारे अंदर है, जब तक बंधन से नहीं। कहते हैं कि एक जगह गाड़ी में बैठ करके महात्मा जी जा रहे थे, साथ में एक चेला था, फर्स्ट क्लास में बैठे थे। सामने एक बाबूजी आकर के बैठ गए, बाबूजी भी बैठे हुए थे। महात्मा जी के साथ में चेला था, बाबूजी के साथ में नौकर था। बाबूजी बाबा जी से कहते हैं कि महाराज जी, आपने और हमारे में क्या अंतर है? और बाबू जी के पास में सामान कम था, बाबा जी के पास में सामान ज्यादा था। कि मेरे से ज्यादा सामान तो आपके आपके पास में, तो आप में मेरे में फर्क कितना? जैसा मैं हूं कृष्णी है, जैसे आप जैसे कृष्णी, आप आपके पास वो सामान ज्यादा और बाबा जी के पास सामान हो ही जाता है, आप ही लोगों का दिया हुआ हो जाता है। तो सामान बढ़ाने वाले तो आप ही है, अब बाबा जी बेचारी क्या करें। महात्मा जी ने कहा कि महापुरुष हो, मैं इस बात को करके समझाऊं या कह करके समझाऊं? उन्होंने कहा महाराज, कहना तो हमने बहुत सुन रखा है, आप करके बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, सत्संग चालू कर दिया। गाड़ी रुकती है स्टेशन पर, तो महात्मा जी सोच रहे हैं कि चलो गाड़ी रुकी है, प्लेटफार्म को उतर लेते हैं। तो बाबू जी उतरे तो नौकर से कह के गए कि देखो भाई, यहाँ रहना, सामान रखा हुआ है, ध्यान से यही रखवाली करना, मैं उतरता हूँ। बाबू जी बाबा जी ने कहा अपने चेहरे से कि तू यहाँ बैठा बैठा क्या करेगा, तू भी उतर सत्संग सुन लो। सत्संग होने लगे अपने भक्त, तो इंजन ने सीटी मारी। बाबू जी कहते हैं कि चलिए महाराज जी, गाड़ी चलने वाली है, चल जाइए, तो कोई बात नहीं, गाड़ी अपना काम करेगी, अपन अपना काम करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, सत्संग सुनो। अरे महाराज जी, मुझे तो ड्यूटी पे जाना है, घर पहुंचना जरूरी है। अब यही शरीर छूट गया तो कैसे पहुंचेंगे आप? अगर मान लो शरीर छूट गया यही पर, कैसे पहुंचेंगे आप? आपके हाथ में है क्या सही? अरे बाबा जी, तुम फालतू की बात करते हो, चलो चढ़ गए, पीछे से बाबा जी भी चढ़ गए। फिर सत्संग चल, अब जब बाबा जी को तो आगे जाना था, बाबू जी को पहले उतरना था, वो स्टेशन मास्टर थे, तो मैं बाबा जी अब हम तो यही उतरेंगे, तो ठीक है, मैं यही चलता था। आपको जाना कहाँ था? कि जाना तो मेरे को आगे था, टिकट हमारा आगे तक का है, तो यहाँ क्यों उतर रहे? यहाँ हमारा कार्य अधूरा रह गया, इसलिए उसको पूरा करने के लिए। बाबा जी उतर जाते, तो बाबा जी ने अपना सामान बांटना चालू कर दिया, ये भाई तू कमंडल ले जा, तू डंडा ले जा, तू ये ले जा, तू सब सामान बांट दिया, अपना सामान बांट दिया। तो फिर बाबू जी के सामान पर नंबर लगाया, बाबा जी ने बांट दिया। महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? अरे सामान, ये भी सामान है, ये भी सामान है। अरे महाराज जी, ये तो मेरी कमाई का है, आपका तो फोकट का माल, आपका माल तो फोकट का, इसे आप बांट सकते हैं, और ये मेरी कमाई का, मैं कैसे बांट सकता हूँ? तो बस इतना ही फर्क है मेरे में तेरे में।
तेरे में मेरे में इतना ही फर्क है, महात्मा की बात उठते हैं तो सुबह से शाम तक महात्मा की बात फिर सामान आ जाता है, महात्मा जी उसको लुटाना चालू कर देते हैं, जैसे आता जाता है जैसे वो सात आठ दिन हो गए महात्मा जी के पास शाम तक बहुत सामान हो जाता था इकट्ठा और महात्मा जी बांट देते। स्टेशन मास्टर ने आके हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी आपकी जो शिक्षा मैंने ग्रहण कर ली, मैं आपका जैसा नहीं हो सकता, मैं गृहस्थी हूँ, आप विरक्त है, आपके पास तो सुबह से शाम तक आ जाता है, मेरे पास तो आएगा नहीं। आप रोज बांटेंगे तो रोज आएगा और बड़बड़ कर आएगा, और मेरे पास आने वाला नहीं है, मैं अपनी पूरी पूरे घर को लुटा दूं, तो मेरे पास मेरे को देने वाला कोई नहीं है, आपको देने वाले हजारों हैं और मेरे को कौन देगा, तो आप जैसा मैं नहीं बन सकता, मुझे क्षमा करिए, आप जहाँ जाना चाहते जाइए। आपकी शिक्षा मुझे समझ में आ गई, आप में मेरे में फर्क है, बहुत फर्क है। इसी प्रकार से संसार में जो आसक्त है, संसार में बंधन में है, अपने कमजोरी है, उस कमजोरी को नहीं निकाल पाते, कमजोरी के निकालने के लिए हमको विषय विरक्त होना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारा नहीं है, संसार का है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप सामान निकाल निकाल के बाहर फेंक, इसका सदुपयोग करना, आपके पास जो कुछ है उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग निकालना चाहिए, उपभोग से भी बचना चाहिए, दुरुपयोग से बचना चाहिए। अगर उपभोग में आ जाए चलो वो भी अच्छा है, चलेगा, सदुपयोग करिए या उपभोग करिए और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपके पास सामान क्या है, पहला नंबर तो शरीर प्राप्त है आपको, शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, शरीर का सदुपयोग है सेवा, सेवा के द्वारा शरीर का सदुपयोग करिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आपके पास सही संबंध से और साधन सामग्री मौजूद है, जो भी साधन सामग्री का उनका सदुपयोग कीजिए, उनका दुरुपयोग न करें। जैसे चक्कू आपके हाथ में, चक्कू का सदुपयोग क्या कि फल सुधारिए, सेवा हो गई, दूसरे को खिलाइए, आप भी खाइए, और दुरुपयोग क्या है, किसी के पेट में मार दिया चक्कू तो संसार की हर वस्तु साधन सामग्री है, आपका शरीर भी साधन सामग्री है, इसके द्वारा साधन करके आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं और इसको विषयों में फंसा करके इसका बर्बाद कर सकते हैं कि मनुष्य देह को भी बर्बाद कर देगा। तो इस शरीर के द्वारा आप साधन भजन करें, इसका सदुपयोग करें और इसके राग, सबसे बड़ा सदुपयोग है राग से मुक्ति। संसार का राग, शरीर का राग है संसार में, इस संसार से इस राग से मुक्त हो जाए, विषय विरक्त हो जाए और फिर संसार में रहिए, संसार कोई बात नहीं, प्रारब्ध से प्रारब्ध का अपराध छूट जाएगा, संसार में रहने पर विषय विरक्त होकर के संसार में रहते हुए संसार के बंधन में न पड़े, संसार के बंधन से मुक्त हो, ऐसा होकर के सद्गुरुदेव ने कहा मरते मरते जग हुआ मुए न जाना कोई, ऐसा हुए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। मरने को सब संसार मरा, सदगुरु कह रहे हैं मरते मरते सब संसार मरा है, पर किसी ने मरना नहीं जाना, कैसे मरे, तो कैसे मरा जाए, शरीर छूटने को सब लोग मरना कहते हैं, ऐसा हो के नहीं मरा जो बहुर न मरना हो, इन्हें वासना क्षय करके नहीं मरा, क्योंकि वासना यदि हमारे अंदर रहेगी तो दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो मरना है तो वासनाओं को भी खत्म कर दो, शरीर खत्म हो रहा है शरीर के साथ में वासनाओं को खत्म कर दो तो आप मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, पर हमारे अंदर वासनाएं भरी रहती है। सद्गुरुदेव का कहने का भाव है कि वासनाओं को खत्म होकर के मरना चाहिए, ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न, तो बार बार जन्म नहीं होगा, बार बार शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा, आप मुक्ति से स्वतंत्र स्वाधीन हो जाएंगे, पर हमारे अंदर वासनाएं भरी रहती है संसार, उस वासनाओं से हमारा फिर दोबारा जन्म होता है। तो मनुष्य जो है स्वतंत्र भूमिका है,
स्वतंत्र होने के लिए है, बंधन में पड़ने के लिए नहीं। इस मनुष्य देह में ही आप स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी देह में स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते। ये संसार में रह के सत्संग ज्ञान बोध विचार के द्वारा, संत गुरुजनों की कृपा के द्वारा आप अपना जीवन कल्याण कर लें। अब सभी प्रकार के बंधनों से, मानसिक और भौतिक दो बंधन है, मानसिक भौतिक दोनों प्रकार के बंधनों से रहित होकर के, मुक्त होकर के अपना जीवन कल्याण कर लें। तो समझो कि आपने ये मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया, और यदि इसको विषयों में गवा दिया तो ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग हुआ। इसलिए हर चीज का सदुपयोग करना सीखना चाहिए, ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री संजीव जी।